हमारे साथ इस समय गवर्नर मणिपुर हैं मैम। चूड़ा चांदपुर सबसे ज्यादा इफेक्टिव एरिया माना जाता है, यहाँ पर आप आई, लोगों से मुलाकात की, लोगों ने अपनी दिक्कतें भी बताई होंगी। हाँ, निश्चित रूप से मैं आज इनके बीच में आई हूँ और जो इनको तकलीफ है, जो दुख है, उनको बांटने के लिए भी आई हूँ कि कम से कम मेरे आने से उनका दुख थोड़ा कम हो जाए। और निश्चित रूप से वो लोग इस समय सोच रहे हैं कि कब शांति आएगी, कब पीस होगा, और इन तमाम सारी चीजों से उनके दिमाग में एक प्रकार से एक डर और तनाव भी है, उसको कम करने के लिए आई हूँ। और मेरी कोशिश हो रही है कि ये जल्दी पीस आ जाए यहाँ पर और फिर से ये लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे जितनी इस कम्युनिटी के लोगों को, यहाँ के CSO, इनसे भी चर्चा करके, और कोकी कम्युनिटी को हो, मेथी कम्युनिटी, वो लोग भी चाहते हैं कि पीस आए। और मैं तमाम सारे लोगों से अपनी तरफ से अपील कर रही हूँ, और जो कुछ भी आज कैंपों में रह रहे हैं उनकी कोई परेशानी तकलीफ है उसको भी मैं दूर करने का प्रयास कर रही हूँ। दोनों समुदाय के लोग आपसे लगातार मिलते आए हैं और जाहिर सी बात है आपने केंद्र सरकार को भी इसकी जानकारी दी होगी, अभी की सिचुएशन में वायलेंस कम होने के लिए और साथ में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, काफी कुछ मणिपुर में जो है कंट्रोल हो रहा है और हुआ भी है, कुछ कुछ जगह पर इस तरह के कुछ वायलेंस हो रहा है, लेकिन वो भी जल्दी से कोशिश हो रही है। यहाँ पर हमारे देश के जवान लोग हैं, CRP, आर्मी, असम राइफल, BSF और आपका रेपिडेक्स फोर्स, पुलिस, तमाम लोग इनकी सुरक्षा रक्षा में लगे हैं। और निश्चित रूप से ये जल्दी ही यहाँ पर मैं समझती हूँ कि पीस आएगा, और इसके लिए सभी लोग प्रयास इसमें लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके पीस आ जाए और ये लोग फिर से अपनी अपनी जगह पे जाकर और फिर से एक शुरुआत नई जिंदगी। बच्चों को आपने टॉफी भी दी, चॉकलेट भी दी और 100 का नोट भी दिया, बहुत खुश हुए वो लोग और देख के सभी लोग आपकी तरफ आने लगे, बहुत ज्यादा लाड करने लगे। निश्चित रूप से आज उनके बीच में ये स्थिति है कि आज वो बच्चे और इनके माँ बाप और तमाम एक अंदर से सोच रहे हैं क्या इनके अंदर, अगर इससे भी थोड़ा बहुत उनके लिए मैं देने से खुशी अगर मिलती है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति इनके सुख दुख में अगर थोड़ा बहुत इनको संतावना देता है तो इनको कुछ मन में थोड़ी सी पीस आएगा। और मैं कोशिश करूंगी आगे फ्यूचर में भी कि मैं उनके लिए आगे कुछ और भी कर सकूं। मैं मेरा एक आखिरी सवाल, आज अपोजिशन का 20 सदस्य डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है मिलने के लिए, यहीं पर चूड़ा चांदपुर आएगा, दो दो अलग टीम्स करके आएंगे, ये सिंबॉलिकली कितना इफेक्ट है? और इसी में जुड़ा हुआ ये सवाल है कि क्या जो अभी की सिचुएशन है इसकी रिपोर्ट आप लगातार बता रही हैं गृह मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को ताकि वो सतर्कता के साथ इसे देख सके? निश्चित रूप से मेरा काम होता है प्रदेश में एक लाइन ऑर्डर और यहाँ की जो परिस्थिति है उन सब चीजों को कैसे हम कंट्रोल करें, किस तरह की शांति लाएं, और क्या कुछ लोग कैंपों में हैं, क्या बोलते हैं, सारे लोग मिलते हैं, इन तमाम सारी चीजों की बात को मैं समय समय पर ऊपर मैंने पहुंचाई हूं कि जल्दी से यहां पर पीस और शांति आ जाए। और निश्चित रूप से सेंटर गवर्नमेंट के तरफ से भी काफी कुछ रिलीफ इन लोगों के लिए, मदद के लिए भेजा गया है, फंड भी, सुरक्षा के लिए भी 60,000 फोर्सेस भी आई हुई है और तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन अब ये जो इस जब तक ये पूरा फील्ड में एक पूरी तरह से एक शांति और एक विश्वास सब लोगों में आ जाए तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए भी जो है जिनका हाउस जल गए हैं, जिनका सामान बर्बाद हो गया है, उसके लिए भी गवर्नमेंट के तरफ से उनका रिसेटलमेंट कैसे करें, बच्चों की भी शिक्षा इफेक्ट हुई है। अपोजिशन डेलीगेशन को लेकर आप, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एक फ्रेमिंग की बात है, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन यहाँ पहुँच गया है डेलीगेशन। देखिए, निश्चित रूप से वो आ रहे हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ, और वो भी इन लोगों को पीस लाने में, शांति लाने में वो भी प्रयास करें, दोनों कम्युनिटी के बीच में जाएं, दोनों कम्युनिटी के लोगों को समझाएं ताकि यहाँ का जो एक वातावरण है, जो लोग जो कैंपों में रह रहे हैं उनको किस तरह की शांति मिले उनके बीच में जाकर। और सारे लोग इस समय मैं समझती हूँ कि
एक मानवीय संवेदना को देखते हुए वो लोग भी इस बात के लिए प्रयास करें कि मेरे मणिपुर प्रदेश में कैसे शांति, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें, पूरी तरह राजनीति से अलग हटकर एक मानवीय संवेदना को देखते हुए वो लोग भी प्रयास करें, यही मेरा उनसे निवेदन। इस समय मणिपुर इम्फाल की गवर्नर थी मणिपुर की, यहाँ पर बच्चों से मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं, और ये मार्मिक क्षण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे वो बच्चों के बीच जा रही हैं, सभी लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, और ये पहला मौका है जब गवर्नर चूड़ा चांदपुर में आई और यहाँ पर आकर वो इन सभी बच्चों से मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, उनको चॉकलेट्स और साथ में टॉफीज के अलावा जो पैसे हैं वो भी दिए गए। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं इस समय अपने घरों को छोड़कर इस रिलीफ कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं, और इनके परिवार के लोग अपने घर परिवार सबको छोड़कर वो यहाँ पर आए हैं। कैमरा सर राजेश्वर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, चूड़ा चांदपुर।